हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ कहीं से भी मेरा चैनल वॉच कर रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हम व्लॉग शुरू करेंगे। इस टाइम टुडे इज़ अ फ्राइडे एंड आज यहाँ फ्राइडे है यूएसए में, और यहाँ पे फ्राइडे को बड़ा लोग खुशी से मनाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग जॉब्स करते हैं। मंडे टू फ्राइडे फुल टाइम जॉब होती है 5 दिन, और फ्राइडे को आगे फिर सैटरडे संडे, फ्राइडे को वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। देन सैटरडे संडे पीपल एंजॉय देयर यू नो एक्टिविटीज़ विद द फैमिली फ्रेंड्स। कुछ भी उन्होंने कोई ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, उन्होंने कहीं कोई उनकी कमिटमेंट है, किसी को मिलना है। तो जैसे हमारे मुस्लिम्स में जुमे को बड़ा अच्छा मानते हैं, यहाँ पे फ्राइडे को इस सेंस में बहुत ही अच्छा जाना जाता है। सो आज मैंने सोचा कि मैं आज आपको यहाँ पे जो बेसिकली ऑफिस में फ़ोन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जो हमारा सिस्टम यहाँ पे है, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज लाइक हाउ द थिंग्स वर्क हेयर। सो ये हमारे पास जो फ़ोन सेट है, इसमें आप देख सकते हैं वी हैव हेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन है। और इस जो सेट की एक्सटेंशन है वो है 110 है। अगर किसी ने कोई लाइन मुझे ट्रांसफ़र करनी है तो वो अपने फ़ोन से 110 टाइप करेंगे और इस तरह लाइन मुझे आ जाएगी। सो इस पे आप जो है एट ए टाइम ऑफिसेज में, आपको पता है यहाँ के ऑफिसेज में जो फ़ोन पे ज़्यादातर मोस्टली ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, फ़ोन पे एक्टिविटीज़ सारा कुछ सेटअप बिजनेस का फ़ोन पे है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग मल्टीपल फ़ोन लाइन्स। सो आपने एक में किसी से बात करें, दूसरे से करें, यू हैव टू डू मल्टी टास्क यू नो। सो आप इसको लाइन लेते हैं, फिर अगर आपकी कॉल डेंड हो गई आपने सेंड कर दिया, अगर आपने इसे होल्ड पे रखना है, वी हैव अ होल्ड बटन हेयर, ये आपका होल्ड बटन है। और इसके फंक्शंस ये हैं, इसमें आपको इसका हिस्ट्री है, कॉल फॉरवर्ड है, रीडायल है। हिस्ट्री में आप जाएंगे तो जिस जिसने आपको कॉल की होगी वो नंबर आपको सारे पता चलते जाएंगे कि जिस जिस नंबर से आपको कॉलें आई हैं, सारी पूरी हिस्ट्री इस लिस्ट में एवरी डे की होती है। स्पेशली 3-4 दिन की रहती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं तो वो फिर बैक वाली जो है वो लॉक डिलीट हो जाती हैं। सो इसके बाद इसमें कॉल फॉरवर्ड है, जब शाम को व्हेन एंड ऑफ द डे यू लीव योर ऑफिस, सो आप जो इस पर कॉल फॉरवर्ड करके जो नंबर डायल है, किसी का भी नंबर डायल कर देते हैं, देन ओके, जो कॉल्स यहाँ पे आएंगी वो सेल फोन पे किसी एम्प्लॉय के जो आफ्टर आवर काम कर रहा होगा तो उसके फ़ोन पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ताकि आपके बिज़नेस पर कोई कॉल आई है तो वो मिस ना हो, ताकि यू डोंट लूज़ योर बिज़नेस। और कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो समवन विल बी देयर ऑल द टाइम टू टेक दैट कॉल्स। और उसके बाद रीडायल है, जो आपने नंबर किसी को रीडायल किया तो वो वापस वो रीडायल हो जाएगा, अनलेस कि यू हैव टू प्रेस ऑल द बटन, सो यू नो वो आपको ईजी हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे फंक्शंस हैं इस फ़ोन के, ये जो आपको एक लेटर से लग रहा है, चिट्ठी सी लग रही है, ये जो है यू हैव 1 new message, यू हैव 0 saved messages, टू लिसन टू न्यू मैसेजेस प्रेस 1, फॉर एडवांस्ड ऑप्शंस प्रेस 5। सो ये जो है आपके जो फ़ोन में मैसेजेस आते हैं, इफ़ यू आर अवे और आप अगर बिज़ी हैं, आप फ़ोन नहीं ले सके, तो आप उससे अपना फ़ोन ये दबा के अपने मैसेजेस को सुन सकते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड नंबर है, ये बुक बनी हुई है, लाइक डायरेक्टरी बनी हुई है। सो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा, लोकल फ़ोन बुक, लोकल ग्रुप, LDAP डायरेक्टरी। सो लोकल फ़ोन बुक्स में ये होता है कि आपने जैसे आपका बहुत नंबर्स जो हैं बार बार डायल नहीं करने, तो आप उसको डायरेक्टरी में सेव कर लेते हैं। फिर लोकल ग्रुप हैं, जो जैसे आप 3-4 ग्रुप का ऑफिसेज में कोई अपने मीटिंग करनी है ऑनलाइन या फ़ोन के ऊपर, सो यू हैव टू ऐड ऑल द नंबर एंड क्रिएट 1 ग्रुप। सो और नीचे है ये भी डायरेक्टरी है, इसके आप अपने नंबर सेव कर सकते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे है थर्ड, ये है फ़ोन टू फ़ोन, ये जो आप फ़ोन टू फ़ोन मीटिंग करते हैं ये उसके लिए है। फिर ये जो तीन आपको तीन नज़र आ रहे हैं, ये थ्री इस लाइक हेड बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये है, दिस इज़ फॉर द कॉन्फ्रेंस कॉल। ये जो है ये कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए, ये जो है कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए है। जैसे आपने ऑफिस में नंबर डायल किया है, देन आप किसी को दो डिफरेंट जगह से कनेक्ट करके आप बात कर रहे हैं, सो ये उसके लिए है, लाइक इससे कॉन्फ्रेंस कॉल है। फिर ये जो बटन है, इसको आपने कोई कॉल आई आपने होल्ड पर रखना है, आपने दूसरी लाइन लेनी है, फिर इसको होल्ड पर रखना है, फिर दूसरी लाइन लेनी है, ये इसके लिए है। और ये जो बटन है, आप हेडसेट जो कॉल सेंटर्स में मोस्टली यूज़ करते हैं कि हर टाइम उनके कॉल्स फ्रीक्वेंट लेनी है, तो आपने ये हेडसेट यूज़ करना है। ये आपका कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं, फिर आपको हेडसेट मिलता है जस्ट लाइक सिमिलर टू दिस साइन। और इसके बाद ये है जो माइक बना हुआ है, और इस पर आपने किसी से बात कर रहे हैं आपने इसे म्यूट कर देना है, तो ये आपकी आवाज़ म्यूट हो जाएगी। और सम टाइम जब यू डोंट वांट टू रिसीव अ कॉल्स एट योर, इफ़ यू आर इन अ बिजी इन अ मीटिंग और समथिंग, आप उसको तभी प्रेस कर सकते हैं, फिर ये आएगा डू नॉट डिस्टर्ब। सो यू कैन सी दिस साइन, इट शोज डू नॉट डिस्टर्ब व्हेन यू आर इन बिजी इन अ मीटिंग और समथिंग, और कॉन्फ्रेंस कॉल है या कुछ भी है। सो ये इसका हो गया, इसको आप फिर वापस कर दें। और ये जो बना हुआ है सारा सेटअप, लेट्स गो इन टू दिस वन, ये दरमियान वाला दबाएंगे, ये फ़ोन का पूरा फंक्शन आपके सामने है, कॉल हिस्ट्री, फिर ये आ जाएगा स्टेटस, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, फिर प्रेफरेंस फ़ोन, फिर ये सिस्टम का सेटअप है, फिर ये रीबूट है, लाइक इफ़ आर यू श्योर यू वांट टू रीबूट द डिवाइस नाउ। समटाइम आपको रीबूट करना पड़ता है, वंस इन अ मंथ और वंस इन अ ट्वाइस इन अ वीक आपको, आई मीन ट्वाइस इन अ टू वीक्स रिव्यूट करना अच्छा है, ताकि आपकी सारा सेटअप जो है ना एकदम एक्टिव और फ्रेश रहे। सो वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग राइट नाउ, सो आई विल प्रेस नो। फिर इसके बाद है ये स्टेटस है, स्टेटस में नेटवर्क है आपका, ब्लूटूथ है, अपग्रेड, लैंग्वेज डाउनलोड, फैक्ट्री फंक्शंस, इसमें ये ऑल ऑथेंटिकेशन सारी चीज़ें हैं। फिर इसको बैक पे जाके, फिर ये फ़ोन है, इसमें आपकी SIP कॉल फीचर्स आ जाएंगे, फिर फ़ोन सेटिंग्स आ जाएंगी, फिर आपका है प्रेफरेंस, सो आपकी प्रेफरेंस क्या है, डू नॉट डिस्टर्ब, कीपैड लॉक, साउंड है इसको, अपीयरेंस है, लैंग्वेज एंड इनपुट, डेट एंड टाइम, वेदर अपडेट, ये दिस इज़ योर पर्सनल प्रेफरेंस कि हाउ यू वांट टू एडजस्ट दिस सेटिंग। एंड उसके बाद आपकी कॉल हिस्ट्री है, जैसे हमने मैन्युअली यहाँ पे कॉल हिस्ट्री का था, सो आप इसको इस सिस्टम में भी जाके कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका स्टेटस है, अकाउंट स्टेटस, नेटवर्क स्टेटस, सिस्टम इंफॉर्मेशन, एंड उसके बाद कॉन्टैक्ट है, ये आपकी डायरेक्टरी है, लोकल फ़ोन बुक, लोकल ग्रुप, और ये जो हमने पहले मैनुअली उस तरह देखी थी, अभी ये इसके सिस्टम में है। ये मैसेजेस हैं आपके, टेक्स्ट मैसेज हैं, आई एम सॉरी इंस्टेंट मैसेजेस एंड वॉइस मेल हैं। ये जो ये बटन था, ये आप इसको इस सिस्टम में भी जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आप कॉल ट्रांसफ़र करते हैं, देन आपने अगर किसी को कॉल कर रहे हैं एंड यू डोंट वांट योर नंबर टू शो इन दैट पर्सन डायल पैड और उसकी कॉलर आईडी में, देन यू हैव टू प्रेस हेयर *67। जब आप ये लाइन लेंगे, देन यू हैव *67 *67 *67 करके डिसेबल कॉलर आईडी, ये आपने आगे *67 *67 देन यू हैव टू डायल योर नंबर, जिसको भी आप कॉल कर रहे हैं तो उसकी आईडी कॉलर में आपका नंबर ब्लॉक जाएगा, वो उसका आपका नंबर शो नहीं होगा। सो दिस इज़ अ गुड फीचर इन केस यू डोंट वांट टू शो योर नंबर टू एनीबॉडी,
सो इसके लिए अच्छी चीज़ है। और ये सारा प्रिटी मच आपको मैंने बता दिया। एक इसका है रिसीवर एंड यू हैव सिक्स लाइन, 1 2 3 4 5 6। सो ये टोटल सिक्स लाइन है। यू आर वर्किंग विद सिक्स लाइन इन दिस फोन एंड आई हैव ऑन माई डेस्क एक्चुअली टू। सो मेरे पास ये भी सेम, एग्जैक्टली सेम है। और दिस आई हैव अनदर सेट, और ये इसकी भी 6 लाइन है। इसकी एक्सटेंशन 108 है। अगर किसी ने मुझे कॉल फॉरवर्ड की है तो वो ये डायल अंदर ऑफिस में से, अगर किसी ने कॉल हमें ट्रांसफ़र किया है तो दे हैव टू डायल माई एक्सटेंशन एंड देन उस पर फॉरवर्ड, उस पर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। व्हेन कॉल इन द फंक्शन देन यू कैन सी दैट आइकॉन। और उसके बाद 6 लाइन यहाँ हो जाती हैं एंड 6 लाइन यहाँ हैं। सो आई हैव दीज टू फोन सेट्स विच हैव लाइक 12 लाइन्स, 6 इस सेट में और 6 इन दिस सेट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ ऑफिसेज में इस तरह के ही टेली लाइक बिजनेस ज़्यादातर ऑन फोन पे होते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू हैंडल। ये कि थोड़ा सा आपको ना एक इन द बिगनिंग व्हेन यू स्टार्ट सम वर्किंग सम वेयर यू हैव टू लर्न द थिंग्स यू नो, वो उसमें फिर ये है कि आप यूज़ टू हो जाते हैं, हैंडी हो जाते हैं, उसमें टेंशन लेनी, परेशान हो जाने, फिर आपको यू कैन ब्लिंक ऑफ एन आईज, यू कैन डायल इट, ट्रांसफ़र और समथिंग यू नो, यू कैन टेक केयर वेरी वेल। सो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे हमारे जो फैक्स मशीन, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी जो हम फैक्स मशीन, स्कैनर, प्रिंटर यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मशीन, ये शार्प की मशीन है, ये इसका मॉडल नंबर है एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपनी जिन्होंने ये हमें प्रोवाइड की है एंड यू कैन, और ये इसका मॉडल है। जो बड़ी कंपनीज़ हैं मोस्टली उनका फ्रीक्वेंट यूज़ होता है फैक्स का, प्रिंटिंग का, स्कैनिंग का। सो उनके लिए ये वेरी बेनिफिशियल है ताकि हर चीज़ फ्रीक्वेंट हो जाए, उसमें कोई टाइम वेस्ट ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि इन दिस कंट्री टाइम इज़ मनी एंड पीपल डोंट वांट टू लूज़ देयर टाइम, सो दे डोंट वांट लूज़ देयर मनी। और इस मशीन में आई शो यू, ये पेपर्स यहाँ पे फीड करते हैं। इनका भी नंबर होता है जो इस फीडर में, मैं आपको उसका बॉक्स भी शो करवाऊंगी लाइक विच नंबर विच साइज पेपर वी आर यूजिंग इन दिस मशीन। सो इसका एक ये है, सेकंड इज़ दिस वन, वी आर इसका भी ख़त्म हुआ हुआ है बट बेसिकली वी आर यूजिंग द फ्रंट वन, सो द फर्स्ट वन। सो ये दो हैं। फिर जो ये जो थर्ड वाला है इस लाइक का स्टोरेज है, इसमें आप इसका इस स्टोरेज में आप जो इसके रीफिल्स हैं वो डाल सकते हैं। सो ये इसका आप फ्रंट देख रहे हैं, यहाँ से अगर आपने स्कैन करना है, प्रिंट करना है और फैक्स करनी है तो आप पेपर को इसके यहाँ फीडर में इस तरह रखेंगे, देन यहाँ पे पूरी इंस्ट्रक्शन दी है किस तरह से आपने पेज को रखना है, अपलोड करना है, इसका फ्रंट कौन सा होना चाहिए, ऊपर और बैक कौन सी होनी चाहिए। और जब आप पेपर रखेंगे तो इसकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी और आपको शो करेगा इजी कॉपी, इजी स्कैन, प्रिंट रिलीज, शार्प OSA। ये है, फिर इसमें छोटे आइकन दिए हुए हैं, सो यू कैन ईदर यूज़ दीज और द अदर वन। फिर आप इसको मोर फंक्शंस हैं इसमें, आपने से देखना है। ये आपका इजी फैक्स, ई फैक्स आप एक्चुअली करते हैं यहाँ से, फिर कॉपी है, फिर ईमेल भी कर सकते हैं और इसमें रेगुलर फैक्स भी आप कर सकते हैं इसमें। और इसमें आप FTP डेस्कटॉप के साथ कनेक्टेड है, फिर आपका ये नेटवर्क फोल्डर है, एड्रेस बुक,
जिसमें आपने अपने नंबर सारे फीड किए होंगे, यू डोंट हैव टू डायल अगेन एंड अगेन जहाँ पे भी आपने फैक्स भेजनी है, और उसके बाद ये स्कैन टू HDT. सो आप जब स्कैन करेंगे, ये नेटवर्किंग के थ्रू आपका सारा सिस्टम में चला जाएगा कि किस IP एड्रेस के साथ, कौन से कंप्यूटर के साथ. एक्चुअली ऑफिसेज में तो सारे कंप्यूटर एक बड़ी मशीन के साथ कनेक्टेड होते ही हैं. फिर इसमें नीचे मल्टी फंक्शंस हैं, ऑपरेशन गाइड एंड लार्ज डिस्प्ले मोड, जिस तरह आपने ये जो फॉन्ट है उसको रखना है. फिर सेटिंग्स हैं इनकी, फिर ये सेटिंग्स हैं, फिर टोटल काउंट पेजेस हैं, आपने कितने प्रिंट करने हैं, क्या सेटअप करना है. LCD कंट्रोल है कि आपकी ये कितनी देर तक लाइट इसकी जो है, आप प्रिंट किया है कब उस टाइम ऑन हो जाए. फिर जॉब स्टेटस है, जो आपने फंक्शन किया होगा, ईमेल की स्कैन किया होगा आपने, इसके थ्रू प्रिंट किया होगा, ईमेल की होगी, स्कैन किया, जो भी फंक्शन किया होगा उसकी लिस्ट आपको इसकी रिपोर्ट में पता चल जाएगी, जस्ट द वे इट शोज हियर. सो इसके बाद जब आपने स्कैन करना है, ये तो हो गया प्रिंट के लिए, जब आपने स्कैन करना है देन यू हैव टू ओपन दिस, और यहाँ पे एक ग्लास से लगा हुआ है, और आपने इस पेपर को स्कैन के लिए हमेशा जो पेज है आपने डाउनवर्ड्स रखना है. इसको ऐसे सेटिंग करके, अगर आपने कोई कोई ID कर रहे हैं प्रिंट, आपने स्कैन करनी है, तो उसको मिडिल में रख के एडजस्ट कर लें हाउ द लेआउट यू वांट ऑन योर स्कैन. सो आपने इस तरह करके यू हैव टू क्लोज इट, देन आपने अपने कंप्यूटर से जाके अपना इसको कनेक्ट करना है, देन इट विल स्कैन इन योर कंप्यूटर. और इसके इस साइट के ऊपर भी बने हुए फंक्शन, इसको सारा सेटअप है इसमें. ये भी जब पेपर कोई आपका स्टक हो जाता है तो आई थिंक ये तब यूज़ करते हैं, नॉट फ्रीक्वेंटली. एंड इसके बाद ये आपकी मशीन इस तरह खुल जाएगी, और यहाँ पे आपने कार्ट्रिज डालना है, इंक कार्ट्रिज होता है आपका, रीफिल करते हैं एवरी अदर, आई थिंक इन मशीनों में तो 6-6 महीने तक कार्ट्रिज चलता है. सो यहाँ इसको आप रीफिल करते हैं. और ये जो इसका फंक्शन है, यहाँ पे भी अगर कोई पेपर स्टक हो जाए इन केस, सो यू कैन यूज दैट. सो ये हमने आपको अपना विजिट करवाया शार्प मशीन का, जो इसका ब्रांड है, और यहाँ पे इसका मॉडल एवरीथिंग है, इज़ वेरी हेल्पफुल. और आपको पता है यहाँ पे पीपल से टाइम इज़ मनी, एंड दिस मशीन इज़ हेल्पिंग यू टू मेक मनी. आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, और जितना आप काम ज़्यादा कर सकते हैं तो आपकी उतनी अच्छी प्रोग्रेस होती है. और इस मशीन में जो हम पेपर यूज़ करते हैं, लेट मी शो यू दैट, इसका साइज़ होता है, हर चीज़ का यहाँ पे साइज़ होता है, और उसकी डिमेंशन सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. आप देख सकते हैं इसमें कितने पेपर हैं, 8.5 by 11 का है, 5000 शीट हैं, एंड कंपनी नेम इज़ हैमर मिल. यहाँ पे बहुत सी कंपनी हैं, लोकल कंपनीज भी हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, सो ऑलमोस्ट सारे ब्रांड अच्छे हैं, लेकिन इट्स डिपेंड व्हाट यू लाइक. सो इनके डिफरेंट प्राइसेस होती हैं, आप किसी भी बड़े स्टेशनरी शॉप से, यहाँ पे स्टेपल्स बहुत मशहूर है, ऑफिस डिपो है, सो यू कैन गो एंड ग्रैब इट, शॉप अराउंड, आपको कौन सा प्राइस पसंद है. और ये देखें, इस मशीन के फीचर्स का मैंने पूरा आपको एनालिटिक्स दे दी हैं, और पेपर्स का भी मैंने आपको बताया, इस बॉक्स में इसके मैचिंग साइज़ के सारे पेपर हैं. और ये इसके अंदर, और इस एक डब्बे के अंदर 10 सेट होते हैं पेपर्स के, और इसके ऊपर पूरी डिटेल है, ईच सेट के ऊपर पूरी डिटेल है, इसका जो साइज़ है, इसकी जो ब्राइटनेस है 92%, इस एक सेट में जो शीट्स हैं पेपर की वो 500s हैं, और ये साइज़ है पेपर का, हर मशीन के साथ डिफरेंट होता है, बट बेसिकली दिस इज़ द स्टैंडर्ड साइज़ हियर इन USA. सो मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज यूज़ द सेम
8.5 by 11 का पेज यूज़ करते हैं। इसका साइज़, इसका जो वेट है अराउंड 20 LBs है और 99.99 जैम फ्री है। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी का ये पूरा इसका मटेरियल है। सो आप ये देखें पूरा, बेसिकली यहाँ अमेरिका में एवरीथिंग इज़ ऑफिस वर्क के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ इन देयर ऑफिसेस। सो इसके ऊपर पूरी डिटेल है, ये कंपनी का फ़ोन नंबर, जो मैन्युफैक्चरर है, जो इसका डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सो ये इस कंपनी का नाम और इसके फंक्शंस आपने देख लिए, आपने मशीन का फंक्शन देखा और इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, आपको उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने आपको दी है। सो इस मशीन का फंक्शन जो है उसकी डिटेल्स थोड़ी बहुत आपको मैंने दी हैं। सो आपको अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और आप और किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं ताकि मैं अपने ब्लॉग्स में उन चीज़ों को कवर कर सकूं जो नॉलेजेबल हों, इंफॉर्मेटिव हों, ताकि उससे हम सब बेनिफिट ले सकें, और जो चीज़ें मुझे पता हैं मैं आपको बता सकूं, ताकि आपको भी पता चले कि हम यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द ऑफिस यूज़ करते हैं, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जो टाइम टू टाइम आई विल शो यू। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको शो हो सकें, और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, और अपने फ्रेंड से, फैमिली से आपको वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर शेयर कीजिए, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।